हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फेल्योर। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फेल्योर कितने प्रकार के हैं और वो कैसे कैसा है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे वो आप एक नजर डाल दीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स कितने प्रकार के स्ट्रक्चर फेल्योर के होते हैं और वो क्यों होते हैं, और उसके एग्जाम्पल भी आपको मैं दूंगा आपको बेटर समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे नंबर थर्ड पर आता है कॉम्प्रेशन फेल्योर। ये फेल्यूर आपको इमेज में जो दिख रहा है वो इस प्रकार का है। इमेज में आपको जो दिख रहा है वो आपको वहां से अपर से और नीचे से जो फेल्यूर आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसको हम और इमेज में शो देखते हैं कि इस प्रकार से और इस प्रकार से आपको कंप्रेशन फेल्यूर का आपका सामना करना पड़ेगा। और ये क्यों होता है, कैसा होता है, वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा और आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं इसको। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो एक कॉलम का एक स्ट्रक्चर है। कॉलम के स्ट्रक्चर में आपको अपवर्ड से मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा और डाउनवर्ड से भी एक फोर्स अप्लाई करूंगा, और ये वर्टिकल फोर्स है दोस्तों, आपको जरूर देखना है वर्टिकल फोर्स है। वो वर्टिकल फोर्स के बाद राइट साइड में इसका रिएक्शन हम फोर्स के अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये बीच का जो आप पार्ट दिख रहे हैं ये है इसका रिएक्शन। ये आपको बेसिकली आपको सरल भाषा में बोलूंगा तो ये फुगा देता है आपका स्ट्रक्चर या खींचे जाता है आफ्टर अप्लाई फोर्स। फोर्स हम जब अप्लाई करते हैं अपवर्ड से डाउनवर्ड से या फिर हम वर्टिकली इनवर्टिकली, आपको यहाँ पर जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं आपको यहाँ पर रिएक्शन दिख जाएगा, और इसकी लेंथ आपको स्ट्रक्चर की कम या ज्यादा हो सकती है, इसका ये पार्ट है। और इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड फेल्योर स्ट्रक्चर का, ये है शेयर फेल्योर। ये शेयर फेल्योर आपको अमूमन तौर पर ज्यादा दिखाई तो नहीं देता, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो ये बीम है या बीम में यहाँ पर आपको बीच में जो क्रैक्स दिख रहे हैं ये है शेयर फेल्योर। बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर आपका वन यूनिट को आपको ये तोड़कर टू यूनिट में दिखाता है या कर देता है। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको सरल और साफ भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आपको ये कंटेंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, ये एक बीम है, बीम को हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, इक्वल फोर्स है। और ये इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे बीच में जो, और एक बार देखिए बीच में जो आपको ये दिख रहा है ये है शेयर फेल्योर का रिएक्शन आफ्टर फोर्स। अगर समझ में नहीं आया तो और देखिए एग्जांपल नंबर थ्री। जी हाँ, ये एक दो एग्जांपल से समझने की इसमें उतना आसान ये फेल्योर नहीं है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो कोई बात नहीं, मैं तीसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो यूनिट में हमारा स्ट्रक्चर डिवाइड हो रहा है। जो फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है ऊपर के दो में वो वन यूनिट है, वही स्ट्रक्चर का आफ्टर रिएक्शन उसका क्या है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो वन यूनिट अलग हो जाएगा, सेपरेट टू यूनिट अलग होगा आफ्टर फोर्स, फोर्स के बाद यहाँ का रिएक्शन। उसके बाद नंबर वन पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए बकलिंग एंड बेंडिंग फेल्यूर और बेंडिंग, यहाँ पर दोनों का एक ही है। यहाँ पर कैसा कैसा होगा, फर्स्ट एग्जांपल पर हम देखेंगे बेंडिंग और बकलिंग किस प्रकार से होती है। यहाँ पर इमेज में जो दिख रहा है वो बेंडिंग और बकलिंग का दोनों का भी इमेज शो हो रहा है, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको यूनिक दिख रहा है या फिर, तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रैक्टिकली आपको कॉलम का दिख रहा है कुछ इमेज, यहाँ पर वहां पर ऐसा जो हो रहा है वो बकलिंग एंड बेंडिंग है। इसमें बकलिंग और बेंडिंग कैसा होता है वो हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। सपोज यहाँ पर एक कॉलम है, कॉलम को हम लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई करते हैं हॉरिजेंटली, और इसके बाद जो आपके इमेज शो हो रहा है यहाँ पर ये बकलिंग का बेंडिंग का सॉरी दोस्तों बेंडिंग का यहाँ पर जो इमेज है ये बेंडिंग का है आफ्टर फोर्स, फोर्स के बाद जो है वो बेंडिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बकलिंग क्या होती है, बकलिंग क्या होती है, यहाँ पर देखेंगे हम फिर से वही कॉलम का स्ट्रक्चर और वही फोर्स इक्वली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पर इसका रिएक्शन बकलिंग में क्या होता है। यहाँ पर बकलिंग में आपको इस प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो बीच का जो पार्ट है वो है बकलिंग। बकलिंग बेसिकली आपको स्ट्रक्चर आपको हिला देता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, यहाँ पे जिगजैग पैटर्न कुछ भी कर देता है, वो है बकलिंग, जो कि बीच से ही होता है अपवर्ड या बॉटम में, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, ये बीच में ही मेनली तो दिखता है। और ये क्यों होता है, हम सबको क्वेश्चन आ रहा है ये सब क्यों होता है, क्वाई वाई वाई उन क्वेश्चन मार्क
आप सबको, अगर आप इस वीडियो में पूरा ध्यान लगा के देखे होंगे तो आपको यहाँ पर आपको ये लिंक कर जाएगा। अगर आप यहाँ पर वीडियो, आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है समझने में इस पार्ट पर, तो आपको एक बार मेरी रिक्वेस्ट से इस वीडियो को फुल देखने के बाद एक दफा रिवाइंड कर जरूर देखिएगा। हम जानते हैं लेफ्ट साइड में जो सीमेंट का बैग दिख रहा है वो कुछ खराब सी सीमेंट हमको दिख रही है। वो सीमेंट बेसिकली खराब क्यों हो गई है? वो सीमेंट हम मैन्युफैक्चर से अगर हम लेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चर डेट से 3 मंथ से 4 मंथ में हमको सीमेंट यूज करना कंपलसरी है दोस्तों। अगर हम सीमेंट यूज नहीं करते हो तो वो सीमेंट हमारा कोई काम का नहीं होता है। जी हाँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम एक्सपायर डेट हम आपके चिप कुरकुरे के पैकेट में जरूर देख रहे होंगे आप, वही एक्सपायर डेट इसमें भी होती है, लेकिन आपको स्टोर वाला ये बताता नहीं है। वो आपको पैकेट पे पैकेट, पैकेट पे पैकेट चिपकाता है और आप बिंदास आपको खरीद लेते हैं, लेकिन आपको आफ्टर रिएक्शन आपको पता होगा या पता चल रहा होगा, या फिर आप घर बनाने के बाद, बेसिकली बोलूँ तो मैं सीधी भाषा में, घर बनाने के बाद ही आपको पछतावा होता है, यार मैं क्यों खरीदा घटिया क्वालिटी का। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप टॉप क्वालिटी की, टॉप ब्रांड की ही सीमेंट यूज करें, कॉन्ट्रैक्टर की बात ना सुने, उसको आप क्लियरली बताएं कि हमारा ये सपनों का घर है, हमको ये घर बनाने के लिए हमको कितनी दिक्कत आई है हमें ही पता है, इसलिए आप बेटर क्वालिटी की ही सीमेंट यूज करें। तो मटेरियल A1 होना चाहिए और इसमें जो कंपैक्शन जो यूज कर रहे हैं, जो वाइब्रेटर हम मेनली यूज करते हैं, वाइब्रेटर आपको रन कराना होता है। जी हाँ, मैं इस बात को जोर कर कर बोल रहा हूँ, आपको वाइब्रेटर रन कराना ही पड़ेगा। आपके कॉलम में ये बीच में आपका एयर बैठ जाता है, आप सही से आपका जो मटेरियल है, जो कि आपका माल, लोकल भाषा में जैसा बात करते हैं, माल आपका एक जगह पे नहीं होता है। सीमेंट का काम क्या होता है? बाइंडिंग करना। जी हाँ, सीमेंट क्या है? आपका एग्रीगेट सैंड आपका वो पकड़ कर रखता है, वो आपको यहाँ पर आपको पकड़ेगा नहीं, वो छोड़ देगा। अगर सीमेंट घटिया क्वालिटी का, अगर उसपे, जी हाँ, घटिया क्वालिटी का अगर यूज करेंगे सीमेंट, आपको सीमेंट वहां पर बैठेगा ही नहीं आपका, वहां पे आपका खेल खत्म हो जाएगा, वहां पे आपका कुछ भी हो सकता है। वाइब्रेटर यूज करिए, बेटर क्वालिटी का मटेरियल यूज करिए। अगर आपका वर्कर है तो उसको वाइब्रेटर आप सामने थे कर, आप उसका वर्कर को आप सही से आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ये भाई ऐसे काम करो, ऐसे वाइब्रेट करो, अगर वो काम चोर होगा तो आपका स्ट्रक्चर फेल्योर हो जाएगा। इस वीडियो में बताई हुई जानकारी अगर आपको सही लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। अगर इस वीडियो में कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप पूछते हैं तो मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। जी हाँ, आपने अगर अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आपकी मर्जी। ये अब तक के लिए जय हिंद।